कर्मियों का मामला एक पहेली बनकर रह गया है और इन फर्जी शिक्षा कर्मियों को हटाने के लिए जब जनप्रतिनिधि विरोध करते नजर आए तो अधिकारी उन्हें बचा लेते हैं और जब अधिकारी हटाने का प्रस्ताव पास करते हैं तो जनप्रतिनिधि उनके लिए ढाल बन जाते हैं। यही कारण है कि 13 साल बाद भी इन शिक्षा कर्मियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। 2 महीने पहले जिला पंचायत सीओ ने अपनी जांच के बाद 129 शिक्षा कर्मियों को हटाने के लिए जनपद पंचायत मैनपुरा को निर्देश जारी किया था। मैनपुर जनपद पंचायत की बैठक में अभयदान दे दिया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने रैली निकालकर मैनपुर जनपद सीओ को ज्ञापन सौंपकर उन्हें हटाने की मांग की है। और जांच के दौरान हम लोगों को पता चला कि यहाँ 129 शिक्षक कर्मी फर्जी पाए गए हैं, जो किसी कारणवश उन्हें अभी रोका गया है। तो हम युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये चाहते हैं कि उचित जांच हो और कार्रवाई हो और जो फर्जी है सही में उन्हें बर्खास्त करके जो योग्य हैं उन्हें नियुक्ति किया जाए।